ये शानदार चमचमाती कार को देखकर हैरत में तालिबानी नेता, आप सोच रहे होंगे कि यह पूरा मामला क्या है और यह कार तालिबान के हाथों कैसे लग गई। क्या यह कार तालिबान ने किसी से छीन ली है या फिर अमेरिका इस कार को छोड़कर चला गया है? तो आपको सारी जानकारी हम देंगे, उससे पहले आप ये पूरा वीडियो एक बार देख लीजिए। दरअसल ये तस्वीरें हैं तालिबानी शासित अफगानिस्तान की, जहां तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला ने एक वीडियो जारी करके इस कार के बारे में पूरी जानकारी दुनिया को दी है। तालिबानी सरकार के प्रवक्ता जबीउल्ला ने कहा है कि हमने इंजीनियर मोहम्मद रजा मोहम्मद द्वारा डिजाइन की गई कार देखी। हमने बाग बाबर में नेशनल टेलीविजन द्वारा आयोजित बैठक में भाग लिया। उन्होंने कहा कि व्यावसायिक शिक्षा विभाग को वो धन्यवाद देना चाहते हैं कि उनकी छत्र छाया के नीचे देश के अभिजात वर्ग को बहुमूल्य सेवाएं प्रदान की गई हैं। इस कार को देखते हुए तालिबानी नेता काफी उत्साहित नजर आ रहे हैं। लोग छू छू कर इस कार को देखना चाह रहे हैं और उसके बारे में बातें कर रहे हैं। तालिबानी शासन को लेकर जिस तरह की खबरें पूरी दुनिया में आती रहती हैं, उसके विपरीत सरकार के तरफ से इस तरह का वीडियो जारी करके ऐसा कहा जा सकता है कि ये अपने इमेज मेकओवर करने की कोशिश की जा रही है, ताकि तालिबान खुद को प्रोग्रेसिव स्टेट साबित कर पाए। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।